देखिए इस तरह है पारस जी के, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जो इंटर पार्टी इलेक्शंस की हिस्ट्री देखें, तो हम लोग जब भी इंटर पार्टी इलेक्शंस करते हैं हमारे वहाँ पे दो पैनल बनते हैं, उसके बाद फिर हम लोगों की बाकायदा प्रॉपर एक मेंबरशिप कैंपेन होती है, उसके बाद हर एक का CNIC चेक होता है, उसकी वैलिडेशन होती है, चेयरमैन का उसमें पैनल बनता है, हर एक मुखालिफ का कोई बनता है, होता दो है। पैनल बनते हैं ना, अच्छा, दो पैनल बनते हैं, ठीक इमरान है, खान के मुखालिफ लोग खड़े हो सकते थे। खड़े हुए हैं, बल्कि अच्छा, ये उमर चीमा पहली बार चेयरमैन के खिलाफ ही खड़ा हुआ था, 2022 में खड़ा हुआ नहीं था, नहीं जून 2013 में, 2022 के जो 2013 इलेक्शन में, अभी आपके 2013 हुए थे, जो में मुस्तरद हुए हैं, उसमें कौन खड़ा उसमें भी था? खड़ा हुआ था ना, उसमें मुझे नहीं, उसमें मेरे वो ख्याल में बिना उमर नहीं मुकाबला था, मुंतखब हुए थे। नहीं, उसमें नहीं, उसमें भी खड़े होते, लेकिन वो उस वक्त आखिर में उसने कहा था कि मैं वोटिंग से बिल्कुल पहले उसने कहा अच्छा, था कि मैं विड्रॉ अपने कर आप को लिया। विड्रॉ करता हूँ, अच्छा, लेकिन तो बाकी बिना हर एक होता मुकाबला है, ही मुंतखब हुए। सिर्फ सिर्फ 2013 में सिर्फ शाह महमूद कुरैशी बिला मुकाबला हुए थे, बाकी सारे के सारे दो पैनल के अंदर हुए थे, और इस तरह भी हुआ था कि सारा एक पैनल जो कि सैफुल्ला नियाजी का उस वक्त पैनल था, वो सारा पैनल जीता था, जिसमें आरिफ अलवी साहब वाहिद वो थे ओके, कि जो सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन ठीक हारे थे, और उसमें बाकायदा कैंपेन हुई थी, फिजिकल वोटिंग हुई थी, उसके बाद बाकी भी हमेशा आपके सुधर। एक और काम भी होता है कि आपके अपने लोग ही आपके खिलाफ उठ के और जो है वो पिटीशन लेके चले जाते हैं, देखिए दरखास्त लेके चले जाते हैं, जैसे कि अकबर एस बाबर भी आपके अपने ही आदमी हैं, नहीं यही ले गए थे थे हैं और थे में बड़ा फर्क सर। है, वो देखिए, हैं और मैं वो शो में आई, मैंने उनसे ये सवाल किया ना, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का फैसला भी मुझे बता दिया और उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी बता देखिए दिया, जिसके देखिए मुताबिक जो आपने उन्हें बरतरफ किया 2011 में, वो कहते हैं वो गलत था। मेरी बात सुने ना, उसमें देखिए इस तरह है कि पॉलिटिकल पार्टी के, मैं इस घर में या मेरे घर में हम लोग जब होते, मैं बाप के पास होती है कि वो बेटे को हटा देता है, कहता है यार तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे पहले पूछा जाता है कि क्या चीज़ है, वो पूरा प्रोसीजर हुआ नहीं, था। हाईकोर्ट ने हाँ गलत एक फैसला मिनट, दिया। मेरे लिहाज से हाईकोर्ट का उसमें कोई ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए, एक बंदा है वो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो डिसिप्लिन है उसके खिलाफ वो जा रहा है, उसके लिहाज से नहीं जा रहा, नहीं, फिर हाउ कैन ही इलेक्शन बी अ कमीशन पार्ट ने ऑफ भी दैट आपकी थिंग। बातों से लग रहा है गलत फैसला दिया। भाई, अकबर एस बाबर कहते हैं मैं आज भी पीटीआई का मेंबर नहीं हूं नहीं और नहीं इंट्रा पार्टी नहीं नहीं इलेक्शन नहीं में स्टेक अच्छा होल्डर हूं। इस तरह है, इस तरह है कि वो किसी के कहने ना कहने से कुछ नहीं होता ना, मैं कहता हूँ आज से मैं चलिए, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूँ, अब मेरे कहने से तो मैं नहीं बनूंगा ना, नहीं, ठीक लीडर है तो नहीं ना, बनेंगे, लेकिन वो ठीक है, आपकी पार्टी के इस बानी मेंबर तो नहीं हैं बानी सर। मेंबर थे, बानी मेंबर थे, बल्कि ओके, बानी चलिए, मेंबर ठीक। थे, ठीक है, लेकिन जब छोड़ दिया बहुत सारे लोग थे, मिराज खालिद था, मैं उसके अलावा और बहुत सारे लोग थे जो, चलिए सर, लेकिन बानी जिन लोगों हमेशा ने बानी छोड़ होता दिया है, जब ना, बानी हाँ मेंबर कहते हैं तो बानी बानी ही रहता है फिर। बट ही वॉज देन ठीक रिमूव फ्रॉम द पार्टी, आज के दिन में ठीक ही वॉज नॉट अ अब मेंबर अगर ऑफ दैट कल थिंग्स। कालेधम करार दे दिया जाता है, मुझे बताएं मुतबादिल स्ट्रेटजी आपके पास क्या है? फिर तो इंतखाबी निशान दूर की बात है, इलेक्शन में हिस्सा लेना जनरल इलेक्शन में मुश्किल हो जाएगा नहीं आपके लिए? देखिए इस तरह यह है कि अगर मेरा ये ख्याल है कि इन लोगों का एक ही काम है, ये जो करना चाह रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दंगल में उतरने ना दें, दैट इज द ओनली वे कि वो अपने सिलेक्शन को बचा पाएंगे, वरना अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक टांग एक हाथ के साथ भी उतर गई ना, हाँ, तो तो वो कमीशन उसी एक हाथ और एक टांग से वो धुलाई करेगी सबकी कि उनको समझ आ जाएगी। का इसमें क्या फायदा है? जो आप कह रहे हैं वो ऐसा चाहती है? अच्छा कमीशन का क्या फायदा, अगर कमीशन खुद डिसीजंस ले रहा है हाँ, तो फिर उसको भी यही फायदा है कि वो पीटीआई को ना आने दे, क्योंकि ठीक। इन सब को प्रॉब्लम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तान हाँ, तहरीक इंसाफ के साथ इसलिए प्रॉब्लम है कि क्योंकि आपके पाकिस्तान अपने बहुत सारे के प्रॉब्लम्स नहीं, हैं, हमारे हर एक अपने होते आप हैं, इंट्रा हर एक पार्टी अपने होते इलेक्शन हैं, अलग, अगर आपको बल्ले का निशान चले सर, अगर आपके हक में फैसला आता है, आपको मिल भी जाता है, तो आपने जो आरओज डीआरओज एग्जेक्टिव से लिए गए उस पर भी आपने एतराज उठा दिया हमने है? इतराज उठाया, नहीं मैं तो मुझे हम एक ये बात समझें कि बताएं, जो मुझे एक मुमकिन बात बताएं, रिजल्ट है आप अभी से उसको रिजेक्ट देखिए कर नहीं रहे एक हैं। मिनट है जी ना, फर्ज करें मैं आपको पारस जी, मैं आपसे अब ये विदाउट बीइंग अ पीटीआई मेंबर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जी, ठीक है, मुझे एक बात बताएं कि पंजाब की जो केयर टेकर या टेक केयर गवर्नमेंट है वो 2000 MPOs के तहत हमारे लोगों को अंदर करती है, हाँ, केपी में 700 बंदों को MPO के तहत अंदर और करती वही है, फिर और वही जब राइट। शख्स उधर बैठ जाएगा, मुझे एक बात बताएं, एम आई नॉट फेयर टू ऑब्जेक्ट ऑन दैट, हाँ, क्या मैं उसमें नहीं गलत नहीं कर नहीं रहा नहीं हूं? पता, मसला क्या आपने पहले नहीं किया? आपकी देखिए टाइमिंग पे सवाल नहीं आत उठ ठीक रहे है हैं, ठीक है आप पहले भी देखिए तो कर देखिए सकते इस थे, है, दो माह देखिए पहले मैं भी आपको कर बताता सकते हूँ, थे, नहीं मैं फरवरी बोल रहा में हूँ भी कर सकते इस थे। है, इनका नोटिफिकेशन आया था मेरे ख्याल में अक्टूबर के एंड में, नवंबर के मिडिल में या नवंबर के उस लिहाज से, उसके बाद हम लोगों ने उसके एक हफ्ता 1.5 हफ्ते बाद हम लोगों ने इसके ऊपर अदलिया फाइल ने किया बहुत है, पहले मना कर दिया था सर। अदलिया ने मना नहीं किया था, अदलिया ने इनको कहा था अगस्त में, या हाँ, उन्होंने वो कहा था रिकंसिडर करें कि ना। नहीं, हाँ, उन्होंने कहा था इलेक्शन आप हमें कमीशन को कहा था स्केड्यूल दें, आए। हमें हाँ,
स्केड्यूल देखेंगे इलेक्शन तो हम इनको हम बताएंगे कि आपको कब चाहिए। देखिए उस वक्त पता ही नहीं था कि इलेक्शंस कब होने हैं, नोबडी न्यू कि इलेक्शंस कब होने हैं। मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आपको लग रहा है कि ये फिर कहीं मुस्तरद ना कर दिए जाए आपके जो मुझे तो बहुत मुझे तो इस बात का बहुत डर है।